वेलकम बच्चों, आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 30 साइंस क्लास 10th और हिंदी मीडियम। ठीक है, जय प्रक्रम में हमारा टॉपिक चल रहा है ये उत्सर्जन। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, पाचन पढ़ा था ना, डाइजेशन पढ़ा था हमने, रेस्पिरेशन श्वसन पढ़ा था, तो उत्सर्जन के बारे में बात करते हैं। देखिए, ह्यूमन में बहुत सारी जैविक क्रियाएँ होती है शरीर के अंदर, किसी भी जीव के अंदर। तो रासायनिक क्रिया होंगे तो वेस्ट मटेरियल भी शरीर के अंदर होंगे। ठीक है, जैसे वर्ज्य पदार्थ लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये जो वर्ज्य पदार्थ है यानी वेस्ट मटेरियल है, इनका बॉडी से बाहर आना जरूरी है। जैसे कि हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाती है, तो बॉडी में बनती क्या है, कौन सी गैस बनती है, CO2 बनती है ना, तो वो हमारा वेस्ट मटेरियल है। मैं वेस्ट बोल रही हूँ, वर्ज्य पदार्थ लिखा हुआ है इसके अंदर, थोड़ा सा बोलने में उसको दिक्कत है, तो मैं ये वेस्ट मटेरियल बोल रही हूँ, होप समझ में आ रहा होगा। तो वेस्ट मटेरियल बॉडी से निकलना जरूरी है। ऐसे ही हम खाना खाते हैं, जब डाइजेस्ट होती है बॉडी में खाना भोजन, तो भोजन डाइजेस्ट होने के बाद बाकी कुछ तो बचता है ना, तो वो पार्ट बॉडी से बाहर आना जरूरी है। इस तरह से कई सारा बॉडी के अंदर जो है, देखिए पसीने के रूप में बाहर आता है, कई पानी बाहर आता है, एक्स्ट्रा पानी है, तो ये सारा क्या है, उत्सर्जन हो गया। ठीक है, तो जीवित शरीर में बहुत सारी रासायनिक प्रक्रियाएँ होती हैं और इन प्रक्रियाओं के द्वारा शरीर के अंदर वेस्ट मटेरियल बनते रहते हैं। अब वेस्ट मटेरियल का निष्कासन यानी शरीर से बाहर आना बहुत ज़रूरी है। दो तरह के जीव होते हैं, एक एक कोशिका, एक बहु कोशिका। एक कोशिका यानी जिनकी एक ही कोशिका है और एक से ज़्यादा कोशिका, जैसे मनुष्य हो गया, बाकी एनिमल्स हो गए। एक कोशिकीय जीवों में कैसे होता है उत्सर्जन, तो जो एक कोशिकीय जीव है वो शरीर की सतह जो है, मतलब अगर अपशिष्टों को शरीर की सतह से जल में विसरित कर देते हैं, इनके अंदर विसरण विधि के द्वारा जो है वेस्ट मटेरियल बाहर आता है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब बहुकोशिकीय जीवों में क्या होता है, उनके विशिष्ट अंग होते हैं, जैसे हमारे ये है विशिष्ट अंग हैं, वो सीधे वातावरण से कांटेक्ट में नहीं है, जबकि एक कोशिकीय में जो अंग होते हैं वो सीधे एक कोशिका ही है, तो वो पूरा सारा वातावरण से डायरेक्ट कनेक्ट होती हैं। लेकिन ह्यूमन बींग या कोई एनिमल्स हैं जो भी हैं बहुकोशिकीय जीव हैं, उनका विशिष्ट अंग होता है इन अवशिष्टों को निष्कासित करने के लिए। निष्कासित मतलब शरीर से, बॉडी से बाहर निकालने के लिए। तो चलिए, मानव में उत्सर्जन के बारे में मेन जानते हैं। मानव का तंत्र हम आपको पहले सीधे डायग्राम पे लेके चलते हैं, ये इसको देख लीजिए। ये है आपके मानव के अंदर दो किडनी होती है, ठीक है, ये लेफ्ट किडनी है, राइट पार्ट लेफ्ट है, लेफ्ट पार्ट राइट है, ध्यान रखना ये राइट किडनी है। ठीक है, ये दो दो किडनी और दो यूरेटर होते हैं, ये लेफ्ट यूरेटर है और ये राइट यूरेटर है, और ओर्टा है, ये दो पाइपलाइन है ना, दिख रहा है ना, एक एक ब्लड के साथ वेस्ट मटेरियल को लेकर आएगी नीचे और उसमें से वेस्ट बाहर करके जब ब्लड बचता है, साफ ब्लड ब्लड साफ हो जाता है, तो ये वापस जाता है ऊपर। अब जो वेस्ट मटेरियल है यानी जो यूरिन है, वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं इसे, ठीक है, यूरिथ्रा के द्वारा शरीर से बाहर आ जाता है। अब इसका हिंदी वर्जन यहाँ आपके सामने है, देखिए छोटा है इसलिए वो पिक्चर लेकर आए थे हम। ठीक है, जो किडनी है, किडनी को क्या बोलते हैं, वृक्क बोलते हैं। तो ये बता रहा, मानव में उत्सर्जन तंत्र का मुख्य कार्य क्या है, शरीर से नाइट्रोजन युक्त जितने भी वेस्ट मटेरियल है उनको बाहर निकालना, यानी जिनमें नाइट्रोजन है हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है, जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल, इनको शरीर से बाहर निकालना है। ठीक है, तो जो हमारा मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र है उसमें एक जोड़ा वृक्क होता है, वृक्क मतलब कि किडनी होती है, किडनी, आप वृक्क ना समझ में आए तो किडनी लिख सकते हैं। ठीक है, किडनी होती है तो एक जोड़ा मतलब कि दो किडनी हो गई है ना, एक जोड़ा मूत्रवाहिनी होती है, मूत्रवाहिनी जो हमने बताया था आपका यूरेटर ये होता है, और एक मूत्राशय है और एक मूत्र मार्ग है, वो जोड़े में यानी दो दो हैं। ये आपका मूत्राशय है जहाँ पर यूरिन इकट्ठा हो जाता है और मूत्र मार्ग। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा सिस्टम में आपको क्या डायग्राम में बनाना होगा, डायग्राम में बनाना तो दो किडनी बना दीजिए और दो यूरेटर बना दीजिए यानी मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग, काफ़ी है, इनफ है। तो यूरिया या यूरिक अम्ल यहाँ बता रहा है कि जो मूत्र बनने का उद्देश्य क्या है, रुद्र में से जो भी वेस्ट मटेरियल है ना बच्चों, उसको यूरिया, जैसे कि यूरिया और यूरिक अम्ल होता है वेस्ट मटेरियल, उसको छान के बाहर निकालना, छान का मतलब फिल्टर करके, जैसे हम फिल्टर पानी पीते हैं ना, वैसे ही बॉडी में फिल्टर होना जरूरी है, किडनी होती इसीलिए है, अगर किडनी नहीं होगी तो बॉडी में तुरंत जहर फैल जाएगा। ये यूरिया
यूरिक अम्ल पूरी बॉडी में फैल जाएगा, इंसान को समय नहीं लगेगा मरते हुए। तो किडनी बहुत मेन ऑर्गन है, यानी बॉडी का हर पार्ट मेन हो गया। किडनी बहुत मेन है, क्यों? ये मेन फिल्टर है पूरी बॉडी का। तो ब्लड में जो वेस्ट मटेरियल होता है, खून में, रुधिर में, उसका बाहर आना जरूरी है। और मूत्र बनने का उद्देश्य यही है, रुधिर से जो भी वेस्ट मटेरियल है, जो पदार्थ बाहर आना, जैसे यूरिया और यूरिक अम्ल, उनको छान कर बाहर करना है, यानी फिल्टर करके। ये वज्य पदार्थ रुधिर से वृक्क द्वारा निष्कासित होते हैं। मतलब रुधिर से कहाँ आते हैं? वृक्क। वृक्क मतलब कि किडनी, और किडनी से मूत्रवाहिनी के होते हुए, ये दिखा रहा है ना आपको, इसको हम एक बार इरेज करके दोबारा बताते हैं। यहाँ पे देखिए, जो ब्लड है वो पहले यहाँ किडनी में आ गया, अब किडनी से ये मूत्रवाहिनी है, दोनों यहाँ से निष्कासित होते हुए मूत्राशय में प्रवेश कर जाते हैं, ये वज्र पदार्थ यानी वेस्ट मटेरियल, और यहाँ से मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर हो जाते हैं। तो इस तरह से बस आपको अगर इसका फंक्शन बताना है, कैसे काम करती है बॉडी किडनी, तो आप ये इतना भी बता सकते हैं। 4-5 नंबर में आ गया तो बहुत है, ठीक है, एक पिक्चर बना दिया, ये बार बता दिया। अब आ जाओ वृक्काणु, जिसे नेफ्रॉन बोलते हैं, ये वृक्क यानी कि किडनी का मेन पार्ट है ये, ठीक है, ये है आपका वृक्काणु, नेफ्रॉन। तो जो फंक्शनल यूनिट है, यानी वृक्क किडनी की जो रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, वो नेफ्रॉन है। क्या है? नेफ्रॉन, समझ में आया? ये नेफ्रॉन है। और रुधिर केशिकाओं द्वारा, रुधिर जो रुधिर केशिकाएं होती हैं, यानी पाइपलाइन होती है, उसके द्वारा रुधिर, अधिक दाब वाला रुधिर होता है, उस वो उसमें गमन करता है, यानी घूमता है। और केशिका गुच्छ, या बोलते हैं ग्लोमर, ग्लोमेरुलस, देखो यहाँ पे कोशिका गुच्छ, यहाँ पर ये दिख रहा है ना आपको, यहाँ पर घूमता है। और यह एक कप किया करती, जिसमें कि बोमन, बोमन संपुट बोलते हैं, बोमन कैप्सूल इंग्लिश में बोला जाता है, उसमें जाके ये आच्छादित रहता है, यानी वहाँ पे रहता है, स्टोर हो जाता है। तो ये मेन है इसके अंदर, यानी नेफ्रॉन में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, ये देखिए आपको इंग्लिश में मिल जाएगा। ये नेफ्रॉन है पूरा सिस्टम, इसमें आपको ये याद रखना है ग्लोमेरुलस, और ये क्या है? बोमन कैप्सूल, ये जो बना हुआ है ना कप की तरह का ये। और इसमें क्या ध्यान रखना है? आप एक कैपिलरी याद कर लो, ये कनेक्टिंग ट्यूब है, बहुत है, ठीक है, अगर इतना भी कर लेते हो तो अभी बना सकते हो। अभी देखो ट्यूब की शेप का था ये, है ना, ये ट्यूब की शेप का था, अगर देखा जाए तो ये ट्यूब की शेप है ये। अब मूत्र का निर्माण के बारे में प्रक्रिया, कैसे मूत्र का निर्माण होता है शरीर में, जो वॉशरूम हम जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं, वो कैसे, मतलब कैसे वो वेस्ट मटेरियल शरीर से बाहर आता, बनता कैसे? जब अधिक दाब की जो केशिका गुच्छ है, अति सूक्ष्म निस्पंदन द्वारा विलेय पदार्थ को वोमन संपुट में धकेलता है। वोमन मैंने आपको बताया ना, अत्यधिक प्रेशर वाला ब्लड जो होगा यूरिया वगैरह के साथ, वो यहाँ में आके आ जाता है, यहाँ आ गया। अब यहाँ आके जब रुधिर नलिका द्वारा प्रवाहित होता है, तो ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण और जल, ये सब जो है दोबारा अवशोषित हो जाते हैं। मतलब कुछ भी, जो भी अच्छे, मतलब जो भी लग रहा है कि इसमें कोई यूजफुल चीज़ें हैं, उस वेस्ट में से भी वो भी पुनर अवशोषण हो जाता है, इसका मतलब। और जैसे जैसे मूत्र नलिका से प्रवाहित होता है, कुछ आयन जैसे पोटेशियम, अमोनिया आयन, ये सारे रुधिर से मूत्र में प्रवाहित हो जाते हैं, ठीक है, ये निकल देते हैं। और जब ये, ठीक है, इकट्ठा हो जाते हैं, कहाँ इकट्ठा होते हैं बताइए? मूत्राशय में। कहाँ होते हैं? मूत्राशय में। अच्छा, उससे भी पहले अगर जल की और ज़रूरत है, तो वह अवशोषण हो जाएगा। अब मूत्राशय में इकट्ठा होके वहाँ से ही ये फिर निष्कासन हो जाते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए, मूत्रवाहिनी के द्वारा मूत्राशय में जाते हैं, वहाँ भंडारण हो जाता है। जब उस पर दाब पड़ता है, यानी आपका प्रेशर बढ़ जाता है, तब जो है मूत्र के द्वारा ये शरीर से बाहर आ जाते हैं। तो आपको प्रक्रिया सारी समझ में आ गई होगी, ठीक है, डाइजेशन वगैरह, बाकी सब प्रक्रिया समझनी है हमारे नए व्यूवर्स को, तो जरूर हमारे चैनल से जुड़ें और पिछली वर्कशीट्स को जरूर देखें, इससे आपको पूरा सिस्टम समझ में आ जाएगा जो हमने अब तक ह्यूमन बींग का या बॉडी का किया है, ठीक है। ये तो सबसे लास्ट सिस्टम था एक्सक्रेशन का, रेस्पिरेशन और डाइजेशन कौन पढ़ेगा, उसको पढ़ने के लिए आपको जाना पड़ेगा ना पिछली वर्कशीट में। तो जैव प्रक्रम का ये टॉपिक भी हमारा आज फिनिश होता है,
पहला क्वेश्चन, एक कोशिका जीव में एक कोशिका जीव किस प्रकार उत्सर्जन करते हैं? तो हमने ये पढ़ा विसरण विधि के बारे में, था ना, विसरित करते हैं। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर दो, बहुकोशिकीय और एक कोशिका में जो उत्सर्जन है उसमें अंतर बताइए। तो आप ये अंतर बता सकते हैं, ये दूसरे का आंसर है पूरा दोनों, ठीक है। और उदाहरण दे सकते हैं, इसमें अमीबा का उदाहरण दे सकते हैं। चल जा भाई, अमीबा का उदाहरण दे सकते हैं, ठीक है। और इसमें मनुष्य का उदाहरण दे सकते हैं, एक कोशिका तो अमीबा एक कोशिका वाला ही होता है ना। तो अंतर में, अंतर की बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर दो में, एक एक अंतर तो दिख ही रहा है, दूसरा अंतर आप ये दे सकते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर तो सिर्फ इतना ही है ना। वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो वृक्क की कार्यात्मक इकाई हमने पढ़ा था, वृक्काणु होती है या नेफ्रॉन होती है, यानी क्वेश्चन नंबर तीन। आगे क्या कह रहा है, मूत्र मार्ग निर्माण में अति सूक्ष्म निस्पंदन की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेफ्रॉन में ये कहाँ होता है, अति सूक्ष्म निस्पंदन कहाँ होता है, बहुमूल संकट में जला जाता है ना ये कोशिका गुच्छे। तो ये पूरा पूरा आंसर है आपका बच्चा क्वेश्चन नंबर फोर का, ठीक है। थोड़ी सी शुद्ध हिंदी है तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला लास्ट क्वेश्चन है, मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाइए। तो क्वेश्चन पांच का ये आंसर है, देखिए आप इसको बना सकते हैं, या अगर आपको चाहिए तो ये भी बना सकते हैं, देख लीजिए। इसको पूरा स्क्रीन पे हम दिखा देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर तीन को भी स्क्रीन पे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर पांच का डायग्राम, एक दो चार पाँच सब आपके सामने है। इस तरह से हमारी वर्कशीट फिनिश होती है। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है वो कमेंट जरूर करें। कमेंट में आप बताइएगा जो किडनी की फंक्शनल इकाई है, कार्यात्मक इकाई है, उसका नाम क्या है। अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको ज़रूर याद होगा। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपके हर कमेंट को हम देखते हैं, उस पर एक्शन रिएक्शन हमारा होता है। नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आएंगे। टिल देन बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।